और जहान और आदाब, हम रवि किशन शुक्ल स्वागत करता नहीं सुर के सबसे बड़े संग्राम में जेकर नाम बाटे ईश्वर संग्राम द्वितीय। कल्पना जी खाती रे को जोरदार ताली। भिखारी ठाकुर जी के रचना और 18 तारीख के उनकर जन्मदिन बाटे। भोजपुरी के शेक्सपियर कहल जाला। बहुत 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 योगदान बा भिखारी ठाकुर जी के। आपके सादर प्रणाम बाटे। स्वागत और साथ साथ स्वागत करी जा भोजपुरिया जहान संगीत के अद्भुत हस्ती मालिनी अवस्थी। स्वागत बाटे, बड़ा सुंदर लगा तो। यूपी के शान मोहन राठौड़ के स्वागत बाटे। बिहार की आन के सरदार आलोक कुमार के स्वागत। और झारखंड की जान सरदार ममता रावत के स्वागत। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा और जोश भरल तारी के साथ स्वागत करी तीनों राज्य के योद्धा लोगन के। जय हो जय हो। स्वागत कर जाओ परिवार ऑडियंस के तीनों सेना के हौसला बढ़ा रहल बाटे। एगो जोरदार ताली विश्वामित्र की। आज विदाई के रात बाटे। आज चौथी विदाई बा, चौथी विदाई। न्यायमंडल तीनों सेना खातिर विदाई की रात पर कौन गुरु ज्ञान मान लीजिए। यहाँ जो भी इस मौके पर पहुँचा है, इस मुकाम पे पहुँचा है, आप सब के पीछे आपके घर में बैठे आपके माता पिता प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, उन्हीं का बस यह असर है। और मैं चाहूंगी कि उसी दुआ के असर में आज आप गाएं और ऐसा गाएं कि हमें मुश्किल में डाल दें। इतना अच्छा, बहुत सुंदर शब्द के साथ मालिनी जी का आशीर्वाद भेटाई। अब आशीर्वाद ले चल जाए। कल्पना जी का कहूं विदाई की रात में योद्धा लोग। मैंने तो बोला ही ऑलरेडी आशीर्वाद है। मैं चाहती हूँ कि भोजपुरिया गुमान एक एक गीत पे वो बात झलके, एक आत्मविश्वास वो गीत में शब्दन में झलके, और उस आत्मविश्वास के साथ गाइए, सब अच्छा ही होगा। बहुत बढ़िया, देखा एकदम हल्के में सब समझा देनी। कोई भी जोन पिछलका एपिसोड में आइटम सॉन्ग के जहाँ रहे नंबर कम भेटाइल रहे, लेकिन अपन ई टाइम के पेशकी से, ई टाइम के अच्छा सुर से आप लोग अपन नंबर बढ़ा सकला, ललकी कुर्सी से जान बचा सकला। कुल आप लोगन के हाथ में बा, अपन जान बचावल भी और अपने जान के गवावल भी। ठीक बा, एक क्लियर सब आप लोगन के हाथ में। पहला तो यूपी के गए, दूसर झारखंड के गए, तीसर बिहार से, यानी तीनों तीनों योद्धा के साथ तीनों सेना अब बराबरी पे बांटे। जौन भी सेना से योद्धा जाए उस सेना के भगवान ही मालिक होई भाई। मोहन आलोक ममता के हिसाब से, मोहन आलोक ममता तो एकदम हिसाब से बराबर हो गई बाटन। पूछल जाओ मोहन बाबू से। मोहन बाबू, तीनों राज्य के तीन गो योद्धा चल गेलन, बराबरी का खेला चला था, का कहबा। और आज विदाई की रात बा, अगर आज यूपी एगो योद्धा खो दिले तो बहुत चिंता हो जाई हो। यहाँ यूपी एकदम ऊंचाई पे रहा। हम ज्यादा कुछ ना कह, बस ये कह, देखिए रॉल सवाल कंपटीशन के बाद बात हमार तो यूपी यूपी बा, और आलोक भाई ममता जी बाड़ी थी लोगन खातिर हम बहुत आगे कुछ कह, मन में आज बहुत कुछ लेके आयल बनी कहे खातिर, बड़ा ही लोग उड़त रहे। यूपी भारी रहल शुरू से और लास्ट तक भारी रहे। ओ हो, बोल बाप, हारा हारा महादेव। ममता जी यूपी भारी रहल, भारी रही का कबू, पटका वो तो पटक देलन। झारखंडी नारी हूँ भैया, सिर्फ शब्दों का वार नहीं चलेगा, यहाँ व्यवहार और अपने सुरों से भी दिलों को मेरे पार्टिसिपेंट जीतेंगे। न सर उठने देगा न ही सुर उठने देगा, ये है झारखंड का नारा। जय झारखंड। ना सर उठने देगा न सुर उठने देगा, ये चैलेंज रहे झारखंड का। जय झारखंड, जोहार झारखंड। आओ आलो बाबू का कहो। चलिए अब तो टक्कर के दिन बाटे हो ही गए। गरीब बात मोहन जी कहलन, ममता जी कहली, काहे कि भैया हमरा बिहार के प्रतिभागी पे हमरा घमंड बाटे, गायकी पर हमारा घमंड बाटे। हमरा हम तो ये कहो कि जे बिहार के सेना से सटी, जे बिहार के सेना से सटी रास्ता से हटी हटी। हम कहब सटे के कोशिश मत करिए, नहीं तो आज या तो यूपी जाई या तो झारखंड जाई, पक्का जाई। सरदार के सुर तो भयंकर रूप धर ले बा। आज के घमासान एगो नई गाथा लिखी। घमासान के शुरुआत से पहले न्यायमंडल से हम इजाजत चाहब। न्यायमंडल का इजाजत बाटे। सबसे पहले उतर रहा बाड़न ऊ जिनकर पिछला परफॉर्मेंस।
लड़खड़ा गई रहे, लेकिन इनका के भेटल रहे सबसे कम 31 नंबर। आज उनकर खातिर आर पार के जंग बाटे एगो जोरदार ताली के साथ स्वागत करी बागी बलिया के देवपाल किरण। जैसे दाई बुद्धि हले हो बबुआ अरे कूलबा के दियनवा एगो बचियो दे दीता जैसे दाई बुद्धि हले हो बबुआ कुलबा के दियनवा एगो बचियो दे देता जैसे दाई बुद्धि हले हो बबुआ कुलबा के दिया नमा एको बचियो दे देता अकहरी खातिर कन्यादानवा एको बचियो दे देता अकहरी खातिर कन्यादानवा एको बचियो दे देता जैसे दाई बुद्धि हले हो बबुआ कुलबा के दिया नमा एको बचियो दे देता जैसे दाई पति हले हो बबुआ कुलबा के दिया नमा एगो बचियो दे देता कहरी खातिर कन्या दनवा एगो बचियो दे देता कहरी खातिर कन्या दनवा एगो बचियो दे देता भाई भाई बहरी रे भीतर करित कुल्ही कहनवा एगो बचियो दे देता आ कहरे खातिर कन्या दनवा एगो बचियो दे देता आ कहरे खातिर कन्या दनवा एगो बचियो दे देता जैसे दाई बुद्धि हले हो बबुआ कुलबा के दिया नमा एगो बचियो दे देता जैसे दाई बुद्धि हले हो बबुआ कुलबा के दिया नमा एगो बचियो दे देता आ कहरे खातिर कन्या दनवा एगो बचियो दे देता आ कहरे खातिर कन्या दनवा एगो बचियो दे देता आ कहरे खातिर कन्या दनवा एगो बचियो दे देता आ कहरे खातिर कन्या दनवा एगो बचियो दे देता। वाह खड़ा कर दिला कुल योद्धा लोगन के पूरा गैंग खड़ा हो गई लो बहुत अच्छा अपोजिट पार्टी भी खड़ा हो गई का कहवा लोग बड़ा अच्छा लगल भैया बड़ा भाव से गेला ई गाना और बड़ा अच्छा आज तो जौन रूप देखौला हा का सो दिन देखौले रहता तनी दौरी मजा आ गई रहत लेकिन आज बस भोलेनाथ पे भरोसा बा भगवान भोलेनाथ पे अब जौन हुई तो आगे होइबे करे लेकिन तू गईला हा दिल एकदम बाग बाग हो गई है। थैंक यू भैया। भैया हमको ऐसा लगा कि हम कोई कैसेट में दूर बसता है ना पूजा उत्सव में गाना जो बड़े बड़े चोंगों में वैसा लग रहा था कि कहीं हम दूर सुन रहे हैं। बहुत अच्छा गा रहे थे और भाव बहुत अच्छा देवपाल बहुत बढ़िया। मालिनी जी जिस देवपाल किरण को हम लोगों ने ऑडिशन में चुन करके यहाँ पर सिलेक्ट किया था वो आज एक दो हफ्तों बाद वापस दिखाई दिया। वाह बहुत अच्छा गाया दिल से गाया भाव में डूबे हुए थे कमाल कमाल का जज्बा था पूरी तरह से गाने को जिया
आज के लिए मेरी ओर से 15। मैं ये पूछना चाहती हूँ किसका लिखा हुआ है, किनका लिखा हुआ है? श्री आनंद रमन जी। मुझे ये बात अच्छा लगा आनंद जी का और आपका भी कि सोचा बोला लिखे आपके थ्रू सुर संग्राम में ये गीत आया। तो आनंद गहमरे जी के साथ आपको भी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत अच्छा लगा। मेरे तरफ से 17। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। पिछला सप्ताह इनका के भिटाइल रहा 31, मालनी जी से 15, कल्पना जी से 17, कुल मिला के हो गई 63 नंबर। बहुत अच्छा बाबू, लेकिन भगवान से मना ले भैया कि ललकी कुर्सी पे तो बैठे के बाद अब इसे मना कि केहू का सुर आज कमजोरा गई, जोन 65 पा ले ले से 61 पा ले ले से, तो वो ललका कुर्सी पे बैठ जाए और बाबू बैठ जाइए अपने वापस से सिंहासन पर राज्य के। खेला शुरू, विदाई का हाथ पाना हो ललका कुर्सी पे जोन काल का लाल बा, लाल का काल बा, बैठ गए ना ऐसे एगो अच्छा भविष्य, एगो अच्छा उम्मीद का समाप्ति हो जाला। लेकिन शो का फॉर्मेट बाटे, हम सूत्रधार के रूप में या न्यायमंडल के बड़ा तकलीफ होला, लेकिन जो बढ़िया बा न्यायमंडल चाहता कि जो बढ़िया बा वो आगे जाए, ओकर भविष्य बने, जो कमजोर आ गई ना, जो निकल जाइए वो फिर से रियाज करके अपन जीवन में फिर प्रैक्टिस करके गिरब उठब तो जीवन के खेला बा। देवपाल के बाद अब मंच पर उतर रहा बाड़न वो जे पिछला एपिसोड में कमर लचका के पूरा हिंदुस्तान में हाहाकार मचा दे रहे, जिनकर आवाज से दिल्ली सरकार भी हिल गई रहे, याद बा एकर फोन आए रहा। हाँ जी, जे कबो ना बोले ले उन्हों फोन के ले रहा। जोरदार ताली के साथ स्वागत कर लिया रामगढ़ झारखंड के कोयल शालिनी दुबे।
शालिनी जब भी अपन सुर छेड़नी ये मंच पर, पूरा मंच गदगदा जाला। बहुत अच्छा एगो कृपा बाटे इनकरा पर। आलोक बाबू का कहबा? शुरू से भैया हम का कहीं इनकर गायकी के हम शुरू से फैन बानी और इनकर आवाज के खैर को जवाब ही नहीं। प्राकृतिक देन बाटे आवाज इनकर। भैया अब तक हम बोल्ड वॉइस, खाटी वॉइस और मतलब एगो दमदार वॉइस में पूर्वी सुनले रहनी, पर आज पहला बेरी एगो मीठा आवाज में पूर्वी सुननी हम। हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारा कहीं कहीं सुर नहीं लगा ना, एक जगह आप कैला में जो आप सुर ले रही थी वो आपका पूरा उतर गया। तो आगे ध्यान रखेंगे शालिनी, आप बहुत अच्छी गायिका हैं। थैंक यू। हम तो शुरू से बाबू के फैन बानी और गायकी के भी वो अलग भाव बन कर सरलता से गैलू है, अच्छा लगा। बहुत अच्छा कल्पना शालिनी। एपिसोड दर एपिसोड और निखरते जा रहे हो, और निखरते जा रहे हो, और वो निखार, वो जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ संगीत को समय देने की बात, वो सिंसियरिटी सब दिख रहा है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप किस जगह पे क्या वेरिएशन लेना है, मुझे ये बात बहुत पसंद आता है। मैं हर लाइन को कोशिश करती हूँ हमेशा कि रिपीट अगर करूँ थोड़ा अलग ढंग से कैसे बोला जाए अगर ज़रूरत हो तो, और वो दिखा मुझे बहुत अच्छा से आज। मेरे तरफ से तो 19। आपने आज बहुत धीर गंभीर अंदाज में पूर्वी गाई, रोक करके, बहुत लग रहा था कोई युवती गा रही है। मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि एक बहुत सुंदर सी पेंटिंग बन रही थी जिसमें कि पेंटर के हाथ में ब्रश था और बहुत धीमे धीमे सुकून से दृढ़ता के साथ वो पेंटिंग बना रहा हो और आकर अचानक किसी ने दूसरा रंग उसमें उड़ेल दिया हो, ऐसा लगा मुझे जो सुर तुमने लगाया। आज के लिए मेरी ओर से 17। पिछले सप्ताह 44 बिताएगा ना। वाह, कल्पना जी से 19, मालिनी जी से 17, कुल मिला के हो गई शालिनी का 80। वाह शालिनी, सेफ हो गई की गुड़िया। बहुत अच्छा, खुश रहा, बहुत आगे बढ़ जा। भाई हो चुकल बा दू गो परफॉर्मेंस, अभी लाल के काल मंडरा रहा बाटे यूपी के देवपाल किरण के कपारे। विदाई के रात तलवार लटकता, शायद ही गरीब लड़का एगो भविष्य लेके आए रल, कहीं भविष्य आज खत्म ना हो जाए। आज सुर बहुत बढ़िया रहे देवपाल, हम चाहब कि सब लोग बराबर रहे, लेकिन का खेला ये सब इन लोगों के हाथ। बाकी बाड़न और 6 और जबरदस्त जोरदार धमाकेदार परफॉर्मेंस, कौन यो था कि किस्मत रूठी और कौन यो था मेला लूटी। मंच पे उतर रहा बाड़न वो योद्धा जिनकर आवाज बाकी सब योद्धा खातिर खतरा बन गई बात, लगातार धुआंधार परफॉर्मेंस देकर हलचल पैदा कर रहा बाड़न। जोरदार ताली के साथ स्वागत कर जाओ। हाँ, सुर के कोबरा ओबरा में रहा लनी, ओबरा के कोबरा दीपक कुमार स्वागत। पतरी लवंगिया पाडुवे जान, पतरी सरीरिया धीरे धीरे टोले ला कमरिया, धीरे धीरे टोले ला कमरिया। पतरी लवंगिया पाडुवे जान, पतरी लवंगिया पाडुवे जान, पतरी सरीरिया धीरे धीरे टोले ला कमरिया, 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 धीरे धीरे टोले ला कमरिया। कर दे दी कुली है कमाई, ऐसन दे पता के तो वो लिखाई। बाबू हो द्वार पे हाथी बांध के रखा। ओ मन कर दे दी कुली है कमाई, ऐसन दे पता के तो वो लिखाई। काचे रे उमिरिया बाड़ुवे जान, काचे रे उमिरिया बाड़ुवे जान,
तिरछी नजरिया धीरे धीरे डोले ला कमरिया, धीरे धीरे डोले ला कमरिया, पतरी लवंगिया बालुवे जान, पतरी लवंगिया बालुवे जान, पतरी सरीरिया धीरे धीरे डोले ला कमरिया, धीरे धीरे डोले ला कमरिया, धीरे धीरे डोले ला कमरिया, धीरे धीरे डोले ला कमरिया। का कहूँ ममता, बहुत अच्छा दीपक। थैंक यू दीदी, एकदम ऐसे ही गाइए और डोले ला को एकदम डोला डोला के गाइए। बहुत अच्छे भाई, तो शुरू से अच्छा गावा था ना, और इनका एगो अलग सूफी वाला अंदाज बा, और कोनो गाना में एकदम मिजाज बना देवेलन गा के, और अच्छा बाटे, बहुत बढ़िया गईला, बहुत भाव में गईला। इनका में वो खासियत है भैया कि कोई भी गाना के इजी बना लेवेला, मतलब इजी तरीका से कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस देवे के क्षमता बाटे इनका में, और काहे कि इनका पास गायकी बाटे और विश्वास बाटे कि तू भी अच्छा करबा भाई, बस इसी तरह चाप के गावा। मान लीजिए इस डेढ़ हड्डी के शरीर में जो 440 वोल्ट की आवाज निकालते हो, गजब की। बस एक कमी मुझे लगी, ये कहरा के ठेका में जो भी कॉम्पोजिशन होती है उसकी प्रस्तुति में भी थोड़ा खांटी अंदाज होता तो और जान आती। तो कोशिश करें गाने के थोड़ा और मिजाज में ढलेंगे तो और मजा आएगा। आज के लिए 16। दीपक, मुझे ऐसा लगा somehow आप अनकंफर्टेबल थे सॉन्ग में, हमने अपने सॉन्ग को गीत को जैसे निभा दिया, बस आप खुद बहुत ही कंफर्टेबल नहीं थे, वो मुझे ऐसा लगा। और आज के लिए 15। मालिनी जी और कल्पना जी के आज के टोटल पिछल का एपिसोड के टोटल मिला के ओबरा के कोबरा के हो गए 78, और इससे हो गए वाह। रार महादेव जा, जय हो। अब उतरल बाड़िन ऊ जिनकर उदाहरण से सास बहु के बीच रिश्ता के एगो नई परिभाषा बन गईल बा। हमार माइयो इनकर फैन हो गईल बाड़िन, पूरा जौनपुर इनकर फैन हो गईल बा, पूरा उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड में इनकर चर्चा चला था, कुल घरे में जहां एगो सास बाड़िन, जहां एगो पतो बाड़िन, जहां एगो पति बाड़न, जिनकर नाम के माला पूरा जगत देवर बन के जप रहल बाटे हो। हा, जोरदार ताली के साथ स्वागत कर जाओ मनमौल जी भौजी के मुंगेर बिहार से, सोनम जी। होता नहीं हर में परेशानी।
का कहूं ममता भौजी के गायकी के बारे में? गाना तुम जैसा गाती हो, मजा लेके गाती हो और सबको मजा देती हो, हम भी चाहते कि हम भी ऐसा ही करें। हम भौजाई के एगो अलगे अंदाज बा शुरू से, और वे हमनी के माटी के अच्छा लगा था और अच्छा गौली है, बढ़िया गौली है। ठीक लागल कहे कि अब कंपटीशन बहुत जोर शोर से चलता। एक कोच के नाते हम कहब कि टॉप 9 के गायकी ना रहे भी है। सरदार से एगो तीर आ गई। लेकिन एगो बात कही, भौजी बहुत पॉपुलर हो गई बाड़े पूरे देश में, ये सच बा। पूरा देश इनकर बौरा गल बा, बुढ़वा जवान लड़का बच्चा भौजी माई सब जगह ही पतो बहुत पॉपुलर हो गई बिया। एगो चिट्ठी आयल बाटे भौजी खातिर, हम चाहब कि वो चिट्ठी आप लोगन के समक्ष हम पेश करी, भौजी का अगर इजाजत हो तो। इजाजत चिट्ठी हम पढ़ देता नहीं आप लोगन खातिर, भौजी आप खातिर एगो प्रेमी का चिट्ठी। महुआ के रस में ना बा न कटहल की लाशा में, महुआ के रस में ना बा न कटहल के लाशा में, न जाड़ा न गर्मी न बरसात के मासा में, डूबल बा तहारी देवर ए भौजी तहरा नशा में, भौजी देव लागता में। हम अपन माई बाबू जी के इकलौता रहनी, एक भी भौजी ना रहा, लेकिन भौजी होके का शौक और सपना बचपन से रहा। भगवान के घर देर बा लेकिन अंधेर नहीं के, रहुआ के टीवी पर देखनी तो लागल कि हमार बचपन के सपना पूरा हो गई। भौजी तोहार चाल ढाल रंग रूप के हम दीवाना बानी, तोहार आँख के खोजत खोजत हम हेरा जाएगा। तो आँख के खोजत खोजत इतना लाइन पेंसिल का लाइन खिंचाएगा तो उनके खोजत खोजत वो हेरा जालन। भौजी अब तई सुबह शाम 24 घंटा तीनों पहर तहरा नाम के कलमजी खा रहल बानी, तो पेट खराब हो गया। चिंता जिन करिया चाय में बर्फ डाल के पी रहल बानी, सही हो जाएगी। भौजी कसम पहलवान बाबा की, हम तोहार दुनिया के सबसे अच्छा देवर बानी, रवि जी से भी अच्छा, महाराज हमसे भी अच्छा। भौजी होली में हमरे घरे जरूर आइए। आपके घर ना ही जिनकर चिट्ठी बा ते ले दे के लटक गई हमरे घर, जब देखा हमरे घर मतलब हम तो एकदम हाँ। भौजी होली में हमरे घरे जरूर आइए, हमका तहार इंतजार रही, वो अपन आशीर्वाद ही उम्र में ग्लूकोज जैसन बना के रखी है। गेंदा गेंदा के फूल भुला मत जइया, भौजी हमके अपन दिल में बसैया, तोहार और सिर्फ तोहार सबसे प्यारा देवर चिरंजी लाल। चिरंजी लाल का एगो तस्वीर भी आइल बा, बड़ा ही खूबसूरत लड़का है ई और बैचलर बाड़न, तो तस्वीर कृपा चिरंजी लाल का दिखाया जाए। ई चिरंजी लाल का प्रेम हमरे भौजी खातिर, और प्रेम का कोनो भी उम्र हो सकेला। ये भौजिया ऐसन बाड़ इनके बुढ़वा के भी हम बोले मुर्दा खड़ा हो जाए इनके देख। अभी तक हो चुकल बा 4 गो परफॉर्मेंस ना भौजी के हिसाब से पूछल जाओ। मालनी जी, आपको पिछले 2 एपिसोड्स में हम लोगों ने खुद कहा था कि आपने चकित किया हम लोगों को, जिस तरह के आपने गाने चुने और जितना सुर से शब्दों को भी निखार के, आज मुझे लगा कि ये बहुत बस ठीक ठाक रहल, कोनो खास बड़ाई के कोनो बातें नहीं दिखाई दिल, और सुर भी गईल 2-4 जगह से, बस जैसे गाने को निपटाना था तो बस निपटा दिया गया, वही भाव रहे। तो आज के लिए 11 मेरे तरफ से भी। 11 पिछला एपिसोड और आज का एपिसोड का पूरा नंबर जो भइल वो हिसाब से भौजी का हो गए नंबर 63, वह नंबर जो देवपाल बाबू के भी बा। तो एगो और ललका कुर्सी मंगाए के पड़ी मंच पे, अब हो गई बा बराबरी 2 गो राज्य का। विदाई के रात 2 लोग ललका कुर्सी पे आवत आ, भौजियो आई भौजी ललका कुर्सी पे। दूसर बेर बाटे की तीसरा बार? दूसर बार। का लगता मन का धड़क का करता? धड़क तो करता।
भौजी इतना पॉपुलर हो गई बाड़िन, हमनी लोगन के मंच का जान बाड़िन भौजी। भौजी चल जी हैं तो पूरा देश, पूरा भोजपुरिया समाज, जहान, ये हमार सुर संग्राम का मंच, सब लोगन के दुख हुई बहुत। भौजी सबकी जी लैलिन जितना हो सकल भौजी से। अभी तक हो चुकल बाटे 4 गो परफॉर्मेंस, 63